सिक्योरिटी एक नहीं दो दो राज्यों की ले ली, बंगला एक नहीं सात के चार बंगले खाली करा के अरविंद केजरीवाल का बंगला बना है। 45 करोड़ रुपया जिसके बंगले पे केवल रेनोवेशन पे लगा है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जो इनका दिल्ली जल बोर्ड नहीं मुहैया करवा पा रहा, वहां मुख्यमंत्री के घर का स्विमिंग पूल 8 करोड़ का नया बना और उसमें रोज पानी नया भरा जा रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं बना लेकिन वहां पर 15 शौचालय अरविंद केजरीवाल जी के घर में बने। गरीब के लिए एक पक्का मकान नहीं बना लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के फर्श पर केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको तो लकड़ी का एक बोर्ड लगाना हो तो महंगा दिखता होगा, 8 करोड़ के लकड़ी के बोर्ड सजावट उससे हुई है। गरीब 10,000 रुपए का टीवी नहीं खरीद सकता, अरविंद केजरीवाल ने 10.5 लाख रुपए का टीवी अपने घर के लिए खरीदने का काम किया है और एक नहीं कई टीवी खरीदे हैं। ये आम आदमी के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन आकर लूट की खुली छूट दिल्ली और पंजाब में है। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, माफिया फल फूल रहा है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है। पंजाब में अच्छा क्या हुआ एक साल में? मेरी बहनें जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके वोट दे दिया था, आज कभी अपने आप को कभी अपने बैंक के खाते को देखती हैं कि 14 महीने बीत गए, 14,000 रुपये इकट्ठा होना था, 14 पैसे भी उसमें जमा नहीं हुए। मान करने वाला काम कोई भगवंत मान ने नहीं किया, बेईमानी वाले काम सब भगवंत मान की सरकार ने। और ये सवाल खड़ा होता है कि किस मुंह से वोट मांगे? इनके कैंडिडेट जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के, जो पहले दूसरे दल में रह के कहते थे कब आएगा महिलाओं के खाते में पैसा, कब आएगा खाते में पैसा, मेरा सवाल उनसे है जनाब अब तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरा कांग्रेस का तो वही हाल है, एक ही परिवार से विधायक, एक ही परिवार से सांसद और एक ही परिवार के फिर वापस उसी परिवार को वापस टिकट देने का काम किया। कांग्रेसियों में भारी हताशा और निराशा है कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भी रहे और अंदर खाते मदद भी कर रहे हैं। अब जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पंजाब के लिए एम्स देने की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र देने की बात हो, स्मार्ट सिटी के लिए 950 करोड़ देने की बात हो, नए नए हाईवेज निकालने की बात हो, सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया, चारधाम की सड़कें भी बनाई और प्रकाशोत्सव 550वां गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का वो धूमधाम से भी मनाने का काम किया। तो साहबजादों का शहादत को वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का काम ये मोदी सरकार ने शुरू किया। 1984 के दंगों को सजा दिलाने तक का काम, जांच कराने का काम, एसआईटी गठन करने का काम मोदी सरकार ने किया। अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिख भाई हमारे गुरुद्वारों पर हमला हो उसको रोके, वहां से भीड़ गुरु ग्रंथ साहब निकालकर स्पेशल 3-3 फ्लाइटें चलाकर सिख परिवारों को बचाकर लाने का काम हमने किया। एक नहीं अनेक काम उस दिशा में किए हैं। हम जनता के बीच में अपने काम के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना मुंह छिपाती फिर रही कि करें तो करें क्या। भाई और बहनों, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे लेकिन मैं एक लाइन में अगर कहूं, पंजाब में माफिया फल फूल रहा है, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया आम आदमी पार्टी ने 1 साल में तोड़ दिया, नशा वो रोकना तो छोड़ो अब मोहल्ले में बेचने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा है। जो आतंकवाद कुचल दिया था वो फिर एक बार पनपने का काम इनकी सरकार के समय हो रहा है। यही नहीं, व्यापारी अधिकारी और यहां तक खिलाड़ियों से लेकर संगीतकार, इनकी हत्याएं हो रही हैं
और इनसे वसूली की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, वसूली की सरकार है। और जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर निकले हैं, आंगनवाड़ियों से लेकर, टीचरों से लेकर, बाकी सब तक। आपने वीडियोस देखे हैं, इनके विधायक ने कहा मैं 26,000 नौकरियां लुवाती, कहते कितनी लुवाई, खड़े हो गए उनके लोग। ये हालात है, सारे चंगी गलत है मित्रों। थोड़े लिए बजट जरूर बढ़ गया एडवरटाइजमेंट का, थोड़े सारे लिए, थोड़े सारे लिए इन्होंने 700-700 करोड़ रुपया साल का एडवरटाइजमेंट का बताता, थोड़े सारे लिए बताता है। पर जोड़े बोर्ड लगे ने वो बोर्ड बिल्कुल खाली ने, बोर्ड से लिखा है एक साल काम दमदार उपलब्धि कोई नहीं लिखी कोई नहीं, तो सरकारें लिखती हैं कि होर्डिंग लगता है तो उस पर लिखती है कि हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि। तो ये चंडीगढ़ तो शुरू कर लो तो पंजाब के किसी कोने तक चले जाओ, केवल हर महीने नवा सूट सवा के मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो नवी लगवा के नवा होर्डिंग लगवाते हैं, पर नवी उपलब्धि कोई नहीं लगती, क्यों नहीं लगी आज तक। मेरा अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान ने एक बड़ी वड्डी शिकायत है, गिला है मेरा, मैनू पक्का पता पंजाबियों का गिला भी जरूर होएगा। तो जिहड़े पंजाब बारे ते देश बारे सोचते ने सच्चे ने, वह तो जरूर वोट की चोट इस बार देंगे। जिहड़ा भ्रष्ट मंत्री इन्हां दा जेल दे विच पिया शराब मंत्री, उन्हूं शहीद भगत सिंह दे नाल जोड़न दा काम अरविंद केजरीवाल करते ने। पंजाबी इस गल नूं कदे माफ नहीं करनगे। और शराब घोटाला करके जेल च पिया है, 3 महीने तो उहदी बेल नहीं होई, ते अरविंद केजरीवाल जी कहिंदे ने शहीद भगत सिंह दा दर्जा उन्हूं दित्ता जाए। जिहड़ा दूजा सतेंद्र जैन जेल च पिया है, उन्हूं भारत रत्न देने की गल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इहदा मतलब जद इहनां दा नंबर लगना तो किहदे नाल अपनी बराबरी करनगे। वो दिन दूर नहीं शराब घोटाले का किंग पिन भी जाएगा। तो पंजाब सरकार से बड़े वड्डे सवाल खड़े होंदे ने, समय आएगा। पंजाब के MP का नाम भी जो तुसीं देखिया उहदे च आया है, ये तार कित्थे दे कित्थे शराब घोटाले से जुड़े ने। तो पंजाब के चुनाव तो पहले जिहड़ी वसूली पंजाब तो बाहर की ने, हुण उही इत्थे पंजाब के अंदर करन दा भी पूरा पूरा काम किया जा रहा है। सवाल तुहाडे मन च बहुत होणगे, एक एक करके सवाल लै सकते हैं। जिन्होंने सरीन साहब कहणगे अपने एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। मेले एनी काइंड ऑफ मोलेस्टेशन, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, उत्ते जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा उदे च पाया जाएगा उदे अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। पर जे जांच तुसी कहो कि बगैर जांच किते, मैं तुहानू बड़ा क्लीयर करा भाई साहब, जे तुसी जनवरी की गल कर रहे हो उहदे च बहुत क्लीयरली सिलेक्शन प्रोसेस बारे कहा कि नहीं, सिलेक्शन पॉलिसी आई है, उन्होंने कहा साडे कॉन्ट्रैक्ट होया ते कॉन्ट्रैक्ट बारे जानकारी की गल की है। तीसरी उन्होंने कहा कि साडे रनिंग अफेयर जे रेसलिंग फेडरेशन दे इहदे च इलैक्शन पारदर्शी कराए जाण, 4-5 मंगा सी इहनां दीआं जिहदे लई कमेटी का गठन किया गया। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी 14 मीटिंगा करके सारे दे गल्लां सुनिया ने। जे किसी ने आरोप लगाया हुण उहदे सबूत दित्ता नहीं दित्ता, ना तुहानू पता है ना बाकियों नू पता है।
लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। ऑन द अदर हैंड एक कमेटी फॉर्म की गई है, डॉक कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने उन्होंने मनिया है, वो कमेटी सिलेक्शन तो लैके डे टू डे अफेयर्स में चलान तो लैके नवा इलेक्शन एक जज की अध्यक्षता कराने वो सारा तय हो गया है। दैट प्रोसेस इज ऑन। FIR दिल्ली पुलिस ने करती है, उन्होंने अगे जांच शुरू करती है। नाउ वी शुड जंप द गन, लेट द इंक्वायरी बी ओवर एंड लेट द फैक्ट फाइंडिंग बी देयर। भाई साहब मेरा तो जांच तो बिना की हो सकता है? मैंने एक गल दसो, तुहाडे उपर कल नूं कोई आरोप लगांदा है तुहानूं सीधा जेल च पा देणगे कि जांच करन? हू स्टॉप्स टू गो इन टू द पुलिस स्टेशन फाइल एन पुलिस कंप्लेंट? नोबडी स्टॉप्स। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ FIR ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਰੱਖਾ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁੱਖ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ कि वोट बैंक के लिए कभी यह भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो राम सेतु को नहीं मानते, वो भगवान राम को नहीं मानते। राम मंदिर बनाने के लिए भी जिस तरह का विरोध हुआ, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया गया, हेमकुंड साहब तक रोपे भी पहुंचाया गया, बीड़ों के मान गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान भी किया गया, तो वहीं पर सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम इस सब का निर्माण भी किया गया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाकर तैयार हो रहा है और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूं, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, बिच्छू कह देना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और फिर जहरीला सांप कह देना, यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है। और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है, अब की बार कर्नाटक की जनता भी इसका जवाब देगी और जलंधर की जनता भी इसका जवाब देगी। मंत्रालय जवाब देगा आगे। आपने बोला कि महिलाएं 14 लाख के लिए मिल जाती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भी 15 लाख रुपए देने का वादा किया था 2014 में। भाई साहब अगर आप देखोगे, सरकार ने जो वायदा किया उनके घोषणा पत्र में, हमने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की, 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान भी बनाकर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया। हमने 9.6 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी नेहरू तक कोई नहीं कर पाए। हमने 11.5 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन उनके घर तक लगा कर दिया जो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी, हमने 11.6 करोड़ करने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया, आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया, हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया। 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है। अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अच्छा,